अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ हम देखते हैं कि आज वज़ीरे आला सिंध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि बजट में सिंध को नज़रअंदाज किया गया है, सूबे से ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही ये भी कहते हैं कि कराची प्रोजेक्ट के नाम पर एक भी पैसा नहीं रखा गया। बहुत सारे गिले शिकवे इस वक्त निकल कर आ गए हैं। जब बजट करीब है, अब से 2 रोज़ बाद बजट अनाउंस होने वाला है, बजट पेश होगा कौमी असम्बली में, और उस वक्त इस तरह के संगीन इल्ज़ाम एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल का मंजर पेश करते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर भी ये कुछ दिन पहले कहते रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग को बजट आने से पहले जो एतराज़ हैं उस हवाले से कहते रहे कि वज़ीर आज़म दूसरों के मनसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगाते आए हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही ऑपोजिशन जमातों का बजट सेशन में हंगामा आरआई का प्लान है किस हवाले से, क्योंकि ऑपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि किसी भी तौर से आवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं करेंगे। पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, और इस हवाले से चूंकि शहबाज़ गिल साहब कह चुके हैं जी कि मुराद अली शाह गलत इदाद व शुमार दे रहे हैं, सूबाइत की सियासत ना करें, तो फिर क्या सियासत होनी चाहिए, इस पे बात करूंगी। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी आज चौधरी मंजूर साहब, हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको खुश आमदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी चौधरी मंजूर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि हम जैसे कि देख रहे हैं आज के वजीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बजट में सिंध को नज़रअंदाज करने के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ एलिगेशंस भी लगाए उन्होंने कराची प्रोजेक्ट के नाम पे भी, उन्होंने कहा एक पैसा नहीं रखा गया। कुछ दिन पहले आपने भी ये एलिगेशन लगाया था कि वज़ीर आज़म दूसरों के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाते हैं। ऑपोजिशन का काफ़ी ज़्यादा बजट के हवाले से इजहार भी नज़र आ रहा है, इस हवाले से तहफ़ुज़ात भी नज़र आ रहे हैं, सो क्या कहेंगे आज इस हवाले से आप? देखिए, सीएम सिंध ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मैंने देखी है, उन्होंने बड़ी पर्टिनेंट बातें की हैं और उन्होंने बजट सामने रखकर जो एलोकेशन है वो सामने रखकर बात की है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट देती है तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए तो सारे सूबे एक जैसे होते हैं, उनसे तो एक जैसा सलूक करना चाहिए। तो उन्होंने फैक्ट एंड फिगर से बताया है कि उनके पास उन्हें कितने प्रोजेक्ट दिए गए हैं और बड़े मेजर प्रोजेक्ट जो है वो छोड़ दिए गए हैं, इवन जो जिसमें 50% सिंध का सिंध गवर्नमेंट ने अपना शेयर दिया है उस प्रोजेक्ट के लिए कोई एलोकेशन नहीं है। फिर क्या मतलब है, पिछले साल उन्होंने कराची के लिए 9 अरब रुपया रखा, उसमें से सिर्फ 500 मिलियन की रिलीज है, बाकी कोई रिलीज नहीं है। अगर पैसे मुख्तस नहीं करते पहले तो, और अगर करते हैं तो उसकी रिलीज नहीं करते, तो क्या करें क्या कहें। और आपके सामने है जो हैदराबाद से कराची तक है और हैदराबाद से सक्कर तक जो हालत है रोड, और वो नेशनल आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट रोड है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में चौधरी मंजूर साहब कतकलाई माफी, शहबाज़ गिल साहब आज कह रहे थे मुराद अली शाह साहब ने गलत इदाद व शुमार रखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कहा है, ये भी कह रहे हैं कि सूबाइत की सियासत ना करें, सिंध में तरक्याती मनसूबे बनाएंगे लेकिन कैश आपके हाथ में नहीं देंगे। फिर एक बड़ा एलिगेशन है ये बड़ा संगीन नौयत का कि कैश ना देने की बात हाथ में, बजट ना देने की बात, जाहिर सी बात है आप भी इलेक्ट होकर आए हैं, उनकी वफाक में हुकूमत है, लेकिन अगर इस तरह की खींचातानी रहेगी तो फिर आवाम कहाँ जाएंगे? अच्छा, पहली बात यह है कि आप मुझसे किसी संजीदा आदमी की बात करें तो मैं उसका जवाब दे दूँ, उनकी बात को तो कोई संजीदा नहीं लेता, ये पता वो स्पोक पर्सन है ऑफिशियल, अब मैं क्या कहूँ उसे। मसला ये है, नहीं, वो तो जो भी है क्या है क्या नहीं अभी तो ये नहीं किसी को पता कि वो क्या है। चलिए मैं फारूक हबीब साहब की बात करती, फारूक हबीब साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं। बात ये है, दूसरी बात ये है कि इन ये नए जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती है ना, उसको नहीं पता होता, इनको 3 साल हो गए, इन्हें इतना नहीं पता कि किसी के हाथ में कैश नहीं दिया जाता, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो होती है वो एलोकेशन होती है, फिर रिलीजेज होती है और उसका एक प्रोसीजर होता है। आप अगर एक सड़क रखते हैं तो क्या सीएम सिंध के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे? जी, ऐसा तो नहीं होता। तो जिन लोगों को ये बुनियादी बातों का ही नहीं पता उनसे बंदा क्या बात करे और क्या जवाब दे। अच्छा, अब ये बताएं कि चले सीएम साहब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अच्छा आपने भी ये कहा है कि वजीर आजम दूसरों की मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं, सो अगर इस तरह ही होता रहा तो फिर व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन, आवाम कहाँ जाएंगे, किस तरह से मामला हल होंगे? नहीं देखिए, हम तो बार बार ये कहते हैं कि आप अवामी सलाह के लिए अगर कुछ प्रोग्राम है आपके पास, तो उनके पास तो कोई प्रोग्राम नहीं है, बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका नाम तब्दील करके 7 प्रोग्राम रखती है, उन्होंने बताया है कि पंजाब को कितने प्रोजेक्ट
हम उनके उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ नहीं है, पंजाब को बेशक उससे ज्यादा दे, लेकिन हमारे हिस्से का हक भी हमें देना और ये देना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। अच्छा, क्या सिंध का क्लेम ये है कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू जनरेशन है, वो वहां से हो रही है। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि पंजाब इस हुकूमत में भी, अच्छा माजी में भी हम देखते रहे कि जब वफाकी हुकूमत जो होती है उस वक्त इसका ऊपर ये मुख्तलिफ अदवार में एलिगेशन लगते आए हैं कि वो पंजाब को ज़्यादा कैटर करती है, पंजाब में ज़्यादा स्कीम्स दी जाती हैं, बजट एलोकेशन भी ज़्यादा होती है। क्या इस बार भी आपको यही लगता है कि वही रवैया अख्तियार किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से? ये लगता है से क्या मुराद है, उन्होंने पेपर हाथ में पकड़ कर जब बात की है सीएम सिंध ने तो फिर उसके बाद लगता है का क्या इशू है। उन्होंने तो बता दिया कि ये है फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिबटल दे दी, उसको जुबानी बातों से तो इधर उधर की फजूल बातों से रिबटल का तो कुछ फायदा नहीं। अगर उनके पास है सीएम सिंध गलत बात कर रहे हैं तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के उसका रिबटल दे दी। अच्छा, आज फारूक हबीब साहब भी एक चीज और पूछ रहे थे कि जिस सूबे में चूहे 14 अरब गंदम खा गए वहाँ हुक्मरान कितने करप्ट होंगे और इस तरह की बात कर रहे थे। सो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो वो देते हैं जिसके ऊपर वो बात करते हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लहरा लहरा के सिंध असेंबली की और सारी चीजों के ऊपर वो कहते हैं, आप इस बात को कितना सच समझते हैं और इस बात पे भी वो कहते हैं कि हम भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके चल रहे हैं? लेके आ रहे ना जी, वो मंसूबे पे 8 अरब में बनाना था, 120 अरब पे चला गया, उसका हिसाब दें, वो मालम जब्बा का हिसाब दें, वो सुनामी 3 का हिसाब दें, वो खैबर बैंक का हिसाब दें, वो दवाइयों वाले केस का हिसाब दें, शुगर का दें, चीनी का दें, आटे का दें, आटा स्कैंडल का दें और पेट्रोल स्कैंडल का दें, ये सारे दें हिसाब, फिर किसी दूसरे से कोई वो उन्होंने तो फैसला नहीं करना, वो तो नैब ने फैसले करने, और नैब एक तरफ दूसरों के लिए नैब है और इनके अपने केसेस के लिए वो एलिजाफर है, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, हाँ भी यही समझते हैं, सही है। अच्छा अच्छा पॉइंट आप जो था, चौधरी मंजूर साहब ये भी बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पंजाब से बहुत अच्छी तरह से सियासत को समझते भी हैं वहाँ पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वहाँ पे बड़े एक्टिव भी हैं, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो पंजाब की सियासत के ऊपर बार बार बात हो रही है ख़ासतौर पर और जिस तरह से आप लोगों ने बीच में ऑफर भी दी PDM के प्लेटफॉर्म में जब आप लोग थे उस वक्त नून लीग को, और ये जो चेंजेस होने की बात हो रही है, फिर जहांगीर तरीन साहब का मामला आ गया और वो हम ख्याल ग्रुप भी निकला है सारा, इस सब को देखते हुए आपको लगता है कि अभी भी पंजाब की सियासत जिसके ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि जी बुज़दार साहब उसके लिए ठीक नहीं है, बुज़दार साहब इज नॉट प्लेइंग अ राइट मैन, तो क्या आपको लगता है अभी भी ये इस बजट के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा या कोई चेंजेस आने की उम्मीद नजर आती है? ये तो नून लीग पे है, हमने तो उनको कह दिया कि यहाँ पे लोग यहाँ ये तीनों हुकूमतें तब्दील हो सकती है, नून लीग अगर करना चाहे तो बिल्कुल हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, बलोचिस्तान हो सकती है, पंजाब हो सकती है, तो ये सारा हो सकता है बिल्कुल। जी ये हो सकता है, मैंने बता दिया है जी। अच्छा ठीक है, सारी तब्दील हो सकती है। अच्छा चौधरी मंजूर साहब ये बताइएगा, लास्टली मैं आपसे बस जानना चाहूंगी एक चीज और भी जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि क्या अब तक फैसला किया है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नून लीग को हमने बता दिया है, नून लीग के हाथ में है, क्या ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस PDM का हिस्सा बनेगी या नहीं? नहीं नहीं, PDM तो जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक PDM तो नहीं है, लेकिन हाँ असेंबली के लेवल पे हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो एक दूसरे के साथ तावन करने के लिए तैयार है, बिलावल साहब ने कह दिया हमारे मेंबर्स उनके हाथ में है। अच्छा बस लास्टली बताइएगा, जैसे कि बिलावल साहब ने कहा है आज के वफाकी हुकूमत का जो बजट है वो अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है, तो क्या नून लीग के साथ मिलकर जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हम मंजूर नहीं होने देंगे इस बजट को, आप समझते हैं कि आप लोगों की कौमी असेंबली में ऐसी पोजिशन है ऑपोजिशन जमातों की कि वो टफ टाइम दे देंगे या रोक लेंगे इसको पास होने से? अगर कोई हिकमत अमली बनाई जाए तो बजट रोका जा सकता है, अगर कोई हिकमत अमली बनाई जाए तो बजट रोका जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो कह रहे थे कि अगर कोई हिकमत अमली बनाई जाए तो ऑपोजिशन मिलकर इस बजट को रोक सकती है। वेल एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड।